वसई विरार में नशे का गढ़ बने नाला सोपारा में एक बार फिर लाखों के नशीले पदार्थ के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। मामला नाला सोपारा पश्चिम के हनुमान नगर का है। आपको बता दें कि नाला सोपारा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन टीम के सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल तलेकर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हनुमान नगर स्थित रास्ते में बुलेट पर बैठकर एक शख्स ड्रग्स बेच रहा है। सूचना मिलते ही अमोल तलेकर व उनकी टीम मुखबिरों द्वारा प्राप्त जानकारी वाले स्थान पर पहुंची तो पाया कि एक शख्स बुलेट पर ड्रग्स बेच रहा है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम उत्तेसाम उर्फ इत्तेसाम रफीक अंसारी बताया है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1.5 लाख नगदी और 77 ग्राम MD ड्रग्स व एक बुलेट बरामद हुई जिनकी कीमत 10,75,000 रुपए बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये नशीला पदार्थ आता कहां से है और पुलिस उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्ट, एसटीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।